अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पिछली वीडियो में हमने निकाली थी प्रॉपर्टीज़, पुल की थी, ठीक है। पुल करने के बाद क्या क्राइटेरिया होता है कि हमने जब उसको कॉम्प्स करने होते हैं, एयर भी निकालनी होती है, उसका क्या तरीक़ेकार है। हमारे पास एक शीट होती है, ठीक है, जो हमें क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है। शीट कैसी होती है, इस तरह की, यानी कि इसमें फार्मूलाज वगैरह लगे हुए होते हैं। तो ये जब भी कोई क्लाइंट आपको काम देता है तो वो आपको ये चीज़ें भी प्रोवाइड कर देता है। उसमें तरीक़ेकार भी आपको हर दफ़ा जो है ना कुछ बताया जाता है। तो ये क्लाइंट चल रहे हैं हमारे पास आजकल, इसका क्राइटेरिया क्या है। हमने जो प्रॉपर्टी निकाली थी, ये निकाली थी अटैच्ड वाली, इसको कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की जो है हम उसको दबा के लास्ट तक ले जाएंगे, जहाँ तक हमारे पास डाटा होगा। हमने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद उधर से इस शीट में आ गए जो हमारी टेम्पलेट वाली अटैच्ड वाली थी। अटैच्ड में कंडो है और मल्टी फैमिली या टाउन हाउसेज हैं। यहाँ पर इसको पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट करने से हमारा डाटा इधर अगली साइड पर सारा जो है वो आ गया, ठीक है ना। लेकिन वो फार्मूलाज की वजह से यहाँ पे हमें एड्रेस, सिटी, स्टे, जिप और ये अर्नेस्ट मनी, लिस्ट प्राइस, टोटल स्क्वेयर फुटेज और ये हर चीज़ यहाँ पे जो ये अवेलेबल हो गई है। लिस्टिंग आईडी, ये उसका एजेंट का नेम, हर चीज़ यहाँ पे आ गई है। जस्ट इस लाइन को एक दफ़ा हम कर देंगे येलो, ठीक है। इसको येलो करने के बाद इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। ये शीट हमारे पास हो गई सेव। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एस एफ एच। एस एफ एच का मतलब क्या है, सिंगल फैमिली होम्स। जो हमारी दूसरी थी, बाकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमने निकाली हैं। क्राइटेरिया जो है सिंगल फैमिली का था। सो ये लास्ट फाइल थी जो मैंने निकाली थी अटैच के लिए। बाकी ये हैं सिंगल फैमिली हाउसेस की, मैं इनको बारी बारी ओपन कर लेता हूँ। और इधर से जो प्रॉपर्टीज़ निकली हैं उनको हम एसएफएच वाले जो टेम्पलेट है उसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से हम पहले इनको सबको इकट्ठा कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो की जो है उसको ये एंड तक ले गया, ये एक नीचे फिर एक नीचे। डाटा जो है वो सिर्फ हमने करना है, ठीक है। ये फुल एक्सेल वन जो वन वाली थी, ये एक चीज़ हमने इसके अंदर डाल दी, यहाँ इस शीट वाला। ये दूसरी शीट, अब इसको निकालते हैं, ये लास्ट तक ले गया मैं। सॉरी, ये मेरा ख्याल है आपके सामने नहीं आ रहा, मैंने दूसरे में कर रहा था, दूसरी स्क्रीन पर कर रहा था, जहाँ मेरा ख्याल आपको तो फिर आइडिया नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको भी ओपन कर दिया और ये वो शीट है, मैं पहले भूल गया था, उधर करता रहा। चलें, बहरहाल ये मैंने यहाँ पे पहले वाला इसको कॉपी किया। ये मेरा ख्याल है मैं कॉपी ज़रा थोड़ा कर गया, कंट्रोल सेट, और ये इस शीट को उठाया, यहाँ पे जो डाटा था इसको मैंने निकाल के उधर लेके जाना। इसको कंट्रोल शिफ्ट, ये एंड तक ले जाएंगे इसका, जहाँ तक हमारा डाटा अवेलेबल है। एक स्टेप बैक और यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज सेलेक्ट हो गई हैं, उसका पूरा डाटा जो है सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट फाइल, इसका जो है सारा डाटा, यानी कि हमने एक जगह पर इकट्ठा करना ना, तो इकट्ठा करने के लिए उसका जो है कॉपी सारा सेलेक्ट करके ये भी शीट में डाल देंगे। ये हमारी दो शीट्स हो गई, ये एक रह गई है, ठीक है। इसका डाटा भी निकालेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो की राइट जो है उससे हम एंड तक जाएंगे। ये एक स्टेप बैक, एक नीचे, सारा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ला कर इसको भी पेस्ट कर दिया। इसको कर देंगे सेव, इसी फॉर्मेट में हो गया। अब यहाँ से हमने इस पूरे डाटा को जो है वो सेलेक्ट करके हमने टेम्पलेट में डाल देना। हाँ, यहाँ पे चीज़ गलत हो गई थी, यहाँ इसको नीचे करना चाहिए ताकि पूरा पूरा जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाए। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट, हाँ ये हमने किया,
ये एस एफ एच वाली थी, यहाँ ये पहले जो मैं निकाल चुका हूँ वो हैं सेम साइज। इसमें कोई इशू आया, इसमें इशू क्यों आया? दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं एक दफ़ा से ताकि कोई मसला ना रहे। कंट्रोल शिफ्ट आ गया, कॉपी एस एफ एच यहाँ पर ला के इसको पेस्ट। ये हमने यहाँ डाटा डाला, इन जो ये जो सेल्स थे सेल्स को हमने येलो दोबारा से कर दिया। ठीक है, यहाँ ऊपर मैं एआरवी पहले निकाल चुका हूँ इसकी जो निकालनी थी। ठीक है, ये वीडियो किस बारे में थी? ये वीडियो थी कि हमने टेम्पलेट में दोबारा से जो है चीज़ें एडिट कर उधर से कॉपी करके यहाँ कैसे डालें। जब हमने शीट्स डाउनलोड की थी, प्रॉपर्टीज़ पुल की थी, प्रॉपर्टीज़ पुल करने के बाद उनको टेम्पलेट में किस तरह से यहाँ एडजस्ट करना, अपनी जो फार्मूलाज वाली लिस्ट है मेन टेम्पलेट है वहाँ पे कैसे लेके आना। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा एआरवी के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो एआरवी पे बनाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।